I am Tushar Pandey. And I'm Deepika Singh. And you're watching Bollywood, Bollywood Hangama. Hangama. Rapid fire with Deepika. Did someone like Vrijendikala's character in Tutu Amani have come to you at your home to pitch for a groom where you were not when you were not married? No. No It has never happened. नो नॉट हैपन या मेरे मम, मेरे मम्मी पापा खुद ही मतलब रिश्तेदारी में ही ढूंढते uh, थे तो ऐसा तो नहीं हुआ कभी को कोई लेकर नहीं आए मतलब बिचौलिया नहीं आए घर पर uh, और उस जब तक वो एज आती तब तक तो मैं मुंबई आ गई और दिया और भाती हमें परफॉर्मेंस hmm. करने लगी ब्रजेंदर काला को अगर आप सम्भव करें एक सेंटेंस में अमेजिंग एक्टर वेरी स्पॉन्टेनियस एंड ही इज़ अ एक्टर हु इज़ नॉट स्टिक टू द स्क्रिप्ट यू नो ही रीज द स्क्रिप्ट एंड देन ही यू नो अपना मैं मुझे काफ़ी उनको ऑब्जर्व करने का मौका मिला तो काफ़ी मुझे अब uh, ये चीज़ मैंने अपने अंदर बनाने की कोशिश की कि स्क्रिप्ट है इट्स आइडियल बट ट्राई टू डू समथिंग मोर यू नो अपनी तरफ से भी हमेशा उनकी ललक रहती थी कि कुछ अलग से क्रिएट करना तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी उनके अंदर और मैंने भी वो अडेप्ट करने की कोशिश की है आपकी नज़र में बॉलीवुड uh, का सबसे बड़ा श्रवण कुमार कौन है बॉलीवुड का श्रवण कुमार आई थिंक अक्षय कुमार जो है उनके ट्यूट्स और uh, जिस तरह से उनकी मॉम एक्सपायर की थी और उन्होंने जिस तरह से मैसेजेस uh, के बाकी सबका तो मैं उतना नहीं पर uh, वो मुझे रजिस्टर हुआ एंड ही वाज क्वाइट अपसेट एंड उससे पता लगा कि शायद उनकी मम्मी उनके पास ही रहती थी hmm. तो इतने बड़े शहर में इतना नाम कमाने के बाद अपने माता पिता के साथ रहना एक uh, बहुत बड़ी बात हो जाती है नो uh, सक्सेस uh, के साथ तो मुझे बहुत एडमाइर की वो बात जो है और uh, काफ़ी कनेक्ट किया मुझे वो आपकी नज़र में लड़कियों का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने पार्टनर की हेल्प कर पाएँ अपनी फैमिली की हेल्प कर पाएँ और जो वो चाहती हैं वो कर पाएँ बिकॉज uh, uh, हम मुझे लगता है कि हम अच्छे तरीके से लाइफ यू नो अपने की लाइफ तब तक नहीं जी सकते जब तक यू you नो know, एक फिनैंशियल फिनंशली स्टेबिलिटी नहीं होती माइंड में तो बहुत ज़रूरी है अपने पैरों पे खड़े रहना और कुछ अपने लिए तभी हम कर पाएंगे एंड वो फिनेशियल आजकल का जितना हम डेवलपिंग कंट्री से हैं तो पैसे की जरूरत पार्टनर को भी हो सकती है ख़ुद को भी हो सकती है फैमिली को भी हो सकती है कब तो बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए हर चीज़ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेवरेट डेस्टिनेशन क्या आपका ट्रैवलिंग के लिए अभी फ़िलहाल मैं बहुत सारे फोटोग्राफ्स देख रही हूँ मॉलदेवस के तो मैं प्लान कर रही हूँ कि जो है आने वाले समय में अगर नेक्स्ट ट्रिप हो तो कोशिश यही रहेगी कि मोहल्ले ओके तुषार का एक डायलॉग है पति कमाए तो पत्नी को उस पैसों से पूरा हक़ हाँ है और, और अगर पत्नी कमाए तो सिर्फ उसका खुद का हक क्या, क्या रहा बहुत मज़ा आया उसे बहुत मज़ा आया मैं तो पूरी एग्री करती हूँ जाते और आ, आ, जो है तो सही बात है कि मतलब कि पति कमाए तो मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यू नो हम तब तो ताँ उस टाइम पे सोचते हैं तो डेफिनेटली ये वाइस होना चाहिए इक्वालिटी है और जगह इक्वालिटी होनी चाहिए और मैंने देखा है कि स्पेशली जब लड़कियाँ कमाती हैं और जब उनके हस्बैंड उतना नहीं कर पा रहे हैं तो वो थोड़ा दिखाने लग जाती हैं जो कि हस्बैंड में नहीं होती है चीज़ यू नो आपको अगर वो गिफ्ट दिला रहे हैं या आपके आपको अपना मतलब आप आपके सारे फस का टेक केयर कर रहे हैं आप अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं तो कभी जताते नहीं है बट समाइम्स कुछ लड़कियाँ जताना शुरू कर देती हैं तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है कि तभी जब हेल्प करनी है तो जताना क्यों नो फिर क्या होता है कि लड़के ले नहीं पाते वो हेल्प तो ठीक से हेल्प तभी हो पाएगी एक यू नो एक गाड़ी सही से तभी चल पाएगी जब आप मदद करें भी तो फिर सामने वाले को बताना चले क्या बात है व्हाट वुड यू से अबाउट द आयरनी ऑफ अ गर्ल बिकमिंग

ये है बट हम जब प्यार करते हैं तो प्यार में प्यार बिना सेक्रीफाइस के अधूरा होता है और ये लड़के की तरफ से भी होना चाहिए सेक्रीफाइस उसको भी थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए उस लड़की को तो या ये डिफ़िकल्ट तो है बट आ, मुझे लगता है कि आ, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि शादी के बाद आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए हाँ मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ रहना ही रहना वो आपकी दोनों पार्टनर्स की चॉइस है, है। hmm. बट अगर पार्टनर रहना चाहता है और आप नहीं रहना चाहते तो मुझे लगता है वो गलत बात है बिकॉज किसी को भी उसकी मदर से दूर करना मुझे लगता है इट्स अम एक ऐसी कॉमन क्वालिटी बिटवीन संध्या फ्राम दिया बा, और बाती और uh, मौसमी फ्रॉम टी अंबानी दोनों ही बहुत दो ज़िद्दी हैं और जो सोचती हैं वो करती हैं और डिप्लोमेटिक uh, नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड है ओके योर ऑल टाइम फेवरेट टेलीविजन एक्ट्रेस ऑल टाइम फेवरेट टेलीविजन एक्ट्रेस साक्षी तंदुर अनस राशिद और तुषार पारे द बेरको एक्टर ओ माय गॉड दोनों बहुत अमेजिंग है दोनों बहुत अमेजिंग हैं एंड दोनों आपको लिबर्टी देते हैं परफॉर्म करने की यू नो एंड लिबर्टी एज एन रिहर्सल्स करते हैं दोनों अपना बेस्ट देते हैं जब यू you नो know, कोई एक्टर आपका बेस्ट देता है तो आपको भी चैलेंज uh, हो जाता है अंदर ही अंदर यू you नो know, आपको भी स्क्रीन प्रेजेंस चाहिए और आपको भी अच्छा परफॉर्म करना है तभी दिखोगे वरना सारी स्क्रीन फेस यही ले जाएंगे <laughs>